hello students in today's video we have completed the remaining part of power sharing in the previous videos we have completed the story of belgium and sri lanka and accommodation of their powers so let's be start today's video in today's video we have start from the why power sharing is desirable from this point so let's we start students before starting this point in front of us are cartoons in this cartoons a car in front of this car here the german government is written and in this side It explain about this cartoon. The cartoon at the left refers to the problems of running Germany's grand coalition government. Coalition government means मिलीजुली सरकार, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मिलाकर चलाना means जब एक party single party majority नहीं बना पाती है, तब दूसरी party इसको support करती है और दोनों party मिलाकर के फिर बहुमत पा करके देश में गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको हम कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियंस एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज द टू मेन पार्टीज आर द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज स्टूडेंट्स ये जर्मनी की कंडीशन बता रहे हैं जहाँ पर दो विपक्षी पार्टियाँ मिल कर के देश की वहाँ पर गवर्नमेंट बनाती हैं और देश को गवर्न करती हैं तो यहाँ पर मेन चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि देश में भले ही विचारधारा पार्टियों के क्यों ना अलग हो लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ती है देश के लिए तब तो वो एक हो जाती हैं और देश को गवर्न करने में अपना सपोर्ट देती हैं सो लेट्स बी स्टार्ट टूडेज टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एस हियर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल पावर शेयरिंग की इच्छा क्यों होती है या क्यों जरूरी है या इसका क्या इम्पोर्टेंस है आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं दस टू डिफरेंस सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग दो मेन बातें हैं जिनके लिए आ, पावर शेयर बहुत ज़रूरी होता है पहली बात तो क्या है पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर नोट राइट डाउन कर दीजिए ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका यही क्वेश्चन ही आता है कि वाई पावर शेयर इज़ नीड या वाट इज़ द नीड ऑफ़ पावर शेयरिंग इन द कंट्री या वाई पावर शेयर इज़ डिज़ायरेबल इस तरीके करके आपके बोर्ड में एग्जाम पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स और आपके आंसर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पावर शेयर करने से क्या होगा इट रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्टे रिड्यूस कर देगा कम कर देगा किसकी विवादों की संभावनाओं को ये कम कर देता है मतलब अगर हम पावर शेयर करते हैं तो विवाद होने का चांस बहुत ही कम होता है नेक्स्ट सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस एंड पोलिटिकल इस्टेबिलिटी और अगर सोशल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया सामाजिक विवाद स्टार्ट हो गए तो वो कहीं ना कहीं हिंसा का रूप रख ले लेते हैं और उनकी वजह से सामाजिक नीस राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है राजनीतिक अस्थिरता का मतलब हुआ कि जैसे पाँच साल के लिए हम कोई गवर्नमेंट चुनते हैं अब पता चला कि वो पाँच साल वर्क ना करने पाए उसके पहले उसको हटा करके कोई दूसरी गवर्नमेंट बन जाए तो होगा क्या कि पहले जो फर्स्ट गवर्नमेंट होगी उसकी अपनी कोई अलग पॉलिसी होगी जब सेकंड आएगी तो उसकी कोई अपनी अलग पॉलिसी होगी इस तरीके से देश का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है तो अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें राजनीतिक स्थिरता बना रखनी पड़ेगी हर राजनीतिक समूह एक दूसरे की हेल्प करें सेंस सोशल कन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पोलिटिकल आर्डर स्टूडेंट्स अब आपका यहाँ से सेकेंड पार्ट पॉइंट आपके आंसर का मिलता है पावर शेयरिंग इज़ गुड पावर शेयरिंग अच्छी होती है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पोलिटिकल आर्डर पोलिटिकल आर्डर को सपोर्ट करने के लिए पोलिटिकल या राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी होती है तो पहली बात तो यहाँ पर क्या हुई कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है पावर शेयरिंग दूसरी बात क्या है कि वो एक पॉलिटिकल आर्डर को भी स्टेबल करता है तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट निकल के आते हैं इस क्वेश्चन के लिए इम्पोजिंग द बिल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मिल लुक लाइक एंड अट्रैक्टिव ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स थिंग्स यहाँ पर बता रहे हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उसकी बातों को दूसरे के ऊपर लागू करना तो हमें कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है फॉलो हम करते हैं मेजोरिटी कम्युनिटी की बातों को तो हमें अच्छा लग सकता है या देश अच्छे से कुछ समय तक मीन शॉर्ट रन के लिए अच्छा लगता है बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन लेकिन ये अगर एक दूरगामी परिणाम देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं देश की एकता को क्षति पहुंचाता है अर्थात तो उसको ब्रेक कर देता है तोड़ देता है कैसे तोड़ देता है जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे लोग हैं उनकी गवर्नमेंट बन गई अब उनको हम ध्यान दे रहे हैं उनकी ही बातों पर उनके लिए जॉब की व्यवस्था उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था एजुकेशन की व्यवस्था सारा कुछ उनके लिए हम कर रहे हैं और हमारे देश में कुछ छोटे छोटे भी ग्रुप हैं समूह हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा लेकिन जैसे ही ये लोग धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी पावर में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये भी अपने नीड को मांगेंगे अपने ज़रूरतों को डिमांड रखेंगे और फिर धीरे धीरे क्या होगा जैसे आपने देखा श्रीलंका में कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ और फिर पूरा देश जल उठा तो वैसे पूरा देश क्या हो जाएगा इनकी डिमांड को ना फुलफिल कर कर पाने की वजह से फिर उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है और वो सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर दे रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द मेजोरिटी माइनॉरिटी मीन्स मेजोरिटी की जो बिलिंग है वो माइनॉरिटी को ही हर्ट नहीं करती है उस पर ही अत्याचार नहीं करती है इट ऑफन ब्रिंग्स रुन टू द मेजोरिटी एज वेल ये धीरे धीरे मेजोरिटी को भी नुकसान पहुंचाती है मतलब मेजोरिटी की जो पॉलिसीज़ हैं या जो उनके लिए बहुसंख्यकवाद की एक भावना होती है वो धीरे धीरे पहले तो माइनॉरिटी को हानि पहुंचाती है लेकिन बाद में ख़ुद को भी हानि पहुंचाने लगती है नाउ देर इज यर सेकेंड डीपर रीजन्स वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी अब दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज वेरी स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी ये आपका एक मेन पॉइंट है इसको आप पावर शेयरिंग के लिए आंसर लिख सकते हैं बिकॉज पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग और डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दो अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज डेमोक्रेटिक रूल्स जो होता है वो उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करता है पावर शेयरिंग में जो कि इससे प्रभावित होते हैं देखिए स्टूडेंट्स समझिए इसको इस तरीके से कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं किसी एक के ही हाथ में पूरी पावर होती है तो जाहिर सी बात है वो उस पावर का गलत यूज करने लगता है अब अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में और कोई एक ही उनको गवर्न करने लगा तो फिर डेमोक्रेसी हुई कहाँ पर इसीलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है कि सबके हाथ में कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए सबके पास तो इसीलिए आप अपने यहाँ देखिए आपका लेजिसलेचर है एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी है सबकी अपनी अलग अलग पावर दी गई हैं और सब एक दूसरे के वर्क को ध्यान में रखते हैं उनको वाच करते रहते हैं एंड हु हैव टू लि विद इट्स अफ इफेक्ट और जो इसके प्रभावों के साथ में जी रहे हैं तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हो तो पावर अगर हम सबके साथ शेयर करते हैं सबको बराबरी का सम्मान देते हैं हक देते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा उनके लिए वो भी आपके गवर्नमेंट चलाने में मदद करते हैं पीपल हैव आ रट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न पीपल हैव आ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न और लोगों को ये भी अधिकार है कि उनको कैसे गवर्न किया जाए मीन्स उनको ये जानने का अधिकार होता है कि उनके उनके जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से खुद के लिए चूज कर रहे हैं वो किस तरह की पॉलिसी बना रही है सारा कुछ उनको जानने का भी अधिकार है जबकि अगर आप देखिए कोई राजा होता है वो कौन सी पॉलिसी बना रहा है वो क्या करेगा जनता के साथ में कोई नहीं जान सकता है एक डिक्टेटर होता है वो तो एकदम सेड्यूड होता है लेकिन बट क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उन पर आपने देखा होगा डिस्कसन होता है जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो जनता के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं अलिजीमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर एक्वायरा स्टेक इन अ सिस्टम एक वैधानिक गवर्नमेंट या वैधानिक शासन वो होता है जिसमें सिटीजन की पार्टिसिपेशन होती है सबसे बड़ी बात है और वो सिस्टम में अपने आप को ढालते हैं मीन्स अपने आप को शामिल करते हैं लेटेस्ट कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीजन्स प्रोडेंशियल एंड द सेकेंड इज अब मॉरल स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दो तरीकों से पावर शेयरिंग किया जाता है पहला तो है प्रोडेंशियल एंड दूसरा है पावर मीन्स मोरल वाइल प्रोडेंशियल रीजन्स स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स प्रोडेंशियल पावर शेयरिंग की जाती है अच्छे आउटकम्स के लिए और जबकि मोरल रीजन्स एम्फाइजिस द बेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल और जबकि जो मोरल Means एक नैतिक होता है वो एक मूल्यवान पावर शेयरिंग के लिए किया जाता है कि मतलब ये करना ही चाहिए हमें नैतिक तरीके से करना चाहिए आइए इसको और अच्छे समझते हैं प्रोडेंशियल बेस ऑन द प्रोडेंस आर द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉसेस प्रोडेंशियल में गेन और लॉस को ध्यान में रख कर के फिर पावर शेयर किया जाता है मीन्स कोई व्यक्ति पावर शेयर तब करता है जब उसको लग जाता है कि हमको इससे क्या फ़ायदा है और हमको इससे क्या नुकसान है तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के फिर वो पावर शेयर करता है मतलब कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी हो जाती है पावर शेयर करना और अगर हम देखें मॉरल में तो वो बिना मजबूरी के बिना कुछ सोचे समझे ही उसको लगता है कि अगर हमारे देश में लोग रह रहे हैं तो हमें पावर शेयर करना ही चाहिए प्रोडेंशियल डिसीजन्स आर यूजली कंस्ट्रक्टेड विद दो डिसीजन्स बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिड्रेशंस आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं एक दूसरे लैंग्वेज में स्टूडेंट्स देखिए प्रोडेंशियल के लिए सपोज कीजिए कि एक परिवार है उस परिवार में ए बी सी और डी चार भाई हैं पिता इनके नहीं हैं तो बड़े भाई ये जो हैं वो अपने तीनों भाइयों को पढ़ाते हैं जब तीनों भाई बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं एक अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी होने कारण से अपने तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी का बराबर से हिस्सा वो बांट देते हैं अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ कि उनको लगा कि हमारे भाई बड़े हो गए हैं तब उन्होंने क्या किया कि पूरी प्रॉपर्टी में चारों भाइयों ने मतलब बराबर का हिस्सा ले लिया आपस में अब ये तो जो डिवाइडेशन हुआ ये हुआ आपका मॉरल एक नैतिक तरीके से वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो चारों भाई थे उनमें जो बड़ा भाई था उसने अपने सभी भाइयों को पढ़ाया लिखाया हर चीज़ किया जो भी उसको करना था लेकिन बट क्या हुआ कि जब चार तीनों भाई उसके बड़े हो गए तो उसके मन में एक बात ये घर कर गई कि क्यों ना हम अपने कि हम अपने भाइयों को अब हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि ये जाएँ खुद से कमाएँ और अपनी प्रॉपर्टी बनाएँ ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी अपनी है अब यहाँ पर तीनों भाई क्या करेंगे वो अपने बड़े भाई से अपने हिस्सेदारी लेने के लिए कहीं ना कहीं फाइट करेंगे मुकदमेबाजी योगी सब कुछ होगा और अंत में बड़ा भाई मजबूरन क्या करेगा वो अपने पैतृक ज़मीन को अपने तीनों भाइयों में बांटेगा वो भी सोच समझ कर कि हाँ भाई बांट दिया जाए नहीं तो हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ सकता है तो ये हुआ आपका पोटेंशियल प्रोडेंशियल में हम लाभ और हानि का पूरा जोड़ लगा लेते हैं तब हम पावर शेयर करते हैं जबकि मॉरल में क्या हुआ कि हमें लगा कि नहीं कर देना चाहिए तो हम कर देते हैं तो यहाँ पर मॉरल अगर आप देखो तो आप एग्जांपल ले सकते हो बेल्जियम का बेल्जियम ने क्या किया कि मॉरल तरीके से पावर को शेयर कर दिया जबकि जो श्रीलंका था उसने प्रोडेंशियल तरीके से उसकी आँगजनी हाँ हुई बहुत सारे लोग मारे गए अंत में उसको लगा कि हमें पावर शेयर करना ही पड़ेगा तो स्टूडेंट्स आई होप by this example you can better understand about the two way of power sharing prudential and the moral power sharing let's students be discuss the next point forms of power sharing the idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of individual political powers राजनीतिक सत्ता का डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता इसी के अंगेंस्ट में बेटा पावर शेयरिंग की भावना या पावर शेयरिंग का आइडिया लोगों के मन में आया फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन आर अ ग्रुप ऑफ पर्सनस आपने देखा होगा पहले इसको समझिए कह रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि जो पावर होती थी गवर्नमेंट की वो किस किसी एक व्यक्ति या कुछ ही लोगों के हाथों में होती थी लोकेटेड एट वन प्लेस एक ही जगह पर होती थी जैसे आप देखते थे कि राजा होते थे तो राजा पूरे राज्य का पूरे देश की जो पावर होती थी वो किसी एक व्यक्ति मीन्स किंग के हाथों में या फिर उनके मिनिस्टर्स के हाथों में तो यहाँ पर जो कह रहे हैं पर्सन आर द ग्रुप तो या आप यहाँ पर, पर किंगशिप ले लीजिए मीन्स मोनाके सिस्टम को इट वॉज़ फेल्ड दैट इफ़ द पावर्स टू डिसाइड इट डिपर्सड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दम कह रहे हैं कि इट वॉज़ फिल्ड दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स अगर पावर बिखर गया इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन तो जल्दी में जो या हम जल्दी से जो निर्णय लेते हैं तुरंत त्वरित जो निर्णय लेते हैं वो शायद इनफोर्स नहीं हो पाएगा लागू नहीं हो सकता है इनका कहने मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक हाथ में सत्ता है तो जो भी निर्णय होगा वो अपने हिसाब से लेगा जल्दी लेगा उसमें कहीं समय नहीं लगेगा लेकिन पता चला कि अगर वही सत्ता का डिवाइडेशन कई पार्ट में कर दिया गया तो इनसे पूछो फिर इनके पास जाएगा फिर इनके पास जाएगा फिर इनके पास जाएगा, जाएगा। मेरे एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा किसी भी डिसीजन को कम्प्लीट होने में अब चलिए आगे चलते हैं बट दीच नोसंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी लेकिन ये जो भावना थी ये जो मान्यता थी ये चेंज हो गई कब जब डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी मेथड सामने आया ऑन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पोलिटिकल पावर्स अब देखिए यहाँ पर मेन थिंग्स आपके लिए है कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो लोग होते हैं वो सबसे बड़े स्रोत होते हैं सभी पोलिटिकल पावर के तो ये भी एक खासियत है आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी की आप इसको डेमोक्रेसी के मेरिट्स में इसको नोट कर सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी आल द पावर्स आर इन अ पीपल्स इन अ डेमोक्रेसी पीपल्स रूल डेम सेल्फ थ्रो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स गवर्नेंस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग गवर्न किए जाते हैं उनकी खुद की चुनी हुई सरकार होती है सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू होते हैं इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू रेस्पेक्ट इज़ गिवेन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है जितने भी भिन्न भिन्न ग्रुप होते हैं सबको सम्मान दिया जाता है सबको अधिकार दिए जाते हैं और समाज में भी सबको एक बराबरी का सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में सभी ग्रुप्स को एक बराबर का अधिकार मिल दिया जाता है एवरी वन हैज वॉइस इन द स्नैपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ सभी लोगों का विचार सुना समझा जाता है पब्लिक पॉलिसीज बनाने में देयर फॉर इन फॉलो दैट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिकल्स देयर फोर इट फॉलो दैट इन अ डेमोक्रेसिक पोलिटिकल्स पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल बता रहे हैं डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पावर डिवाइड किया जाता है सिटीजन के बीच में मीन्स उनकी खुद की गवर्नमेंट लोकल लेवल पर स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर खुद की गवर्नमेंट उनके थ्रू बनाई जाती है इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है ये कई तरीक़ों से होता है आइए इसको समझते हैं वन बाई वन करके नाउ द फर्स्ट पावर इज़ सेयर्ड एमंग डिफरेंट्स ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ये फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स इसको आप जरूर नोट कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में पहला पॉइंट पावर कैसे शेयर किया जाता है हाउ द पावर इज शेयरड तो जो आप अपना आंसर दीजिएगा पावर सेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ में जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अब ध्यान रखिए आप लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनका जो पावर शेयर किया जाता है वो एक हॉरिजेंटल रूप से किया जाता है पहले चलिए हम पैराग्राफ समझा देते हैं फिर इसको हम समझा देंगे लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बेटा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि जो ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हैं उनके बीच में जो पावर शेयर किया जाता है वो किस वे में होता है वर्टिकल हॉर्जेंटल अपर या फिर लोअर तो आपका आंसर अगर उसमें दिया रहेगा एम में तो आप हॉर्जेंटल पर ही टिक कीजिएगा ऑफ द पावर बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल इसमें होता क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के जो एक ही लेवल पर होते हैं सच आ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर तो तीनों ऑर्गन्स एक ही साइड में होते हैं कोई भी ऑर्गन्स अनलिमिटेड पावर नहीं रख सकता है उनके पावर डिवाइड किए जाते हैं देखिए स्टूडेंट्स आप ये देखिए लेजिस्लेटिव हमने बनाया एग्जीक्यूटिव हमने बनाया और हमने जुडिशरी बनाया अब यहाँ पर एक हॉरिजेंटल में है ये हम नहीं कर सकते हैं हम इस तरह नहीं लिख सकते इनको कि हम चाहें तो लेजिस्लेटिव ऐसे लिखें फिर हम एग्जीक्यूटिव ऐसे लिख दें या फिर हम जुडिशरी ऐसे लिखें या फिर हम जुडिशरी को ऊपर करके है ना और हम एग्जीक्यूटिव एक्से, नीचे कर देते इससे क्या सो हो रहा है इससे सो रहा है कि जो ऊपर है वो सबसे पावरफुल है और जो नीचे है वो सबसे कमज़ोर है लेकिन नहीं यहाँ पर दिखाया गया कि तीनों लोग साथ में बैठे हुए हैं अब इससे होगा क्या कि तीनों लोग बराबर हैं मीन्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बराबर हैं सबके पास बराबर पावर दी गई है किसी को छोटा या बड़ा नहीं किया गया है अगर ऐसा किया जाता तो कहीं ना कहीं जो अगर किसी आर्गन्स को हम ऊपर कर देते मीन्स अगर किसी आर्गन्स को हम ज़्यादा पावर दे देते तो हो सकता था कि वो अन्य दो आर्गन्स को बाद में डिस्ट्रॉय भी कर सकता था लेकिन नहीं यहाँ पर तीनों के पावर अलग अलग किए गए और अलग करने के बाद में सब एक दूसरे के वर्क को चेक करते हैं और किसी के वर्क में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है सच अ सेप्रेशन इन्शोर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर ईच ऑर्गन चेक द अदर्स हमने बताया भी कि ईच ऑर्गन चेक द अदर्स एक दूसरे के कामों को चेक करते हैं दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर एमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन इससे होता क्या है बेटा इससे बैलेंस ऑफ पावर बनती है मतलब पावर का बैलेंस बना रहता है कोई भी अपने पावर का गलत यूज नहीं कर सकता है लास्ट ईयर बी स्टडीज दैट इन अ डेमोक्रेसी एवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट होते हैं इनके जो ऑफिसर्स होते हैं या मिनिस्टर्स जो होते हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए पार्लियामेंट के लिए आर द स्टेट असम्बली के लिए होते हैं आपके सांसद विधायक सांसद पार्लियामेंट के लिए और विधायक आपके स्टेट असम्बली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिमिलरली आल दो जज आर अपॉइंटेड बाई द एग्जीक्यूटिव अब कह रहे हैं जैसे कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ये एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका के हैं कार्यपालिका में वो सभी लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट की नीति को नियमों को फॉलो कराते हैं चाहे वो मिनिस्टर्स हों चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों बेटा या कोई भी व्यक्ति हो सभी को हम एग्जीक्यूटिव में शामिल करते हैं दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव आ ला मेड बाई द लेजिस्लेचर अब देखिए अपॉइंट कौन किया जज को एग्जीक्यूटिव ने लेकिन जब जज अपॉइंट हो जाता है तो कौन किसको चेक करता है एग्जीक्यूटिव के काम को और या फिर वो जो लेजिस्लेचर बनाता है नियमों को उनको चेक करता है कौन जुडिशरी चेक करती है इसका मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और तीनों ना तो बड़े हैं ना ही छोटे हैं दिस अरेंजमेंट इज कॉल द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इसको हम क्या बोलते हैं चेक एंड बैलेंस अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि वाट इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि यहाँ से बन भी सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस में हम तीन आर्गन्स को रखते हैं जो एक दूसरे के वर्क को चेक करते हैं जिससे पावर बैलेंस रहता है मैंटेन रहता है न सेकेंड पावर कैन बी सेड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल अब यहाँ पर सेकंड आपको बताएंगे कि जो पावर शेयर किया जाता है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में आग जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द और द रीजनल लेवल नेक्स्ट है रीजनल लेवल पर तो एक क्षेत्रीय आधार पर भी गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल होता है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है जैसे कि सच आग गवर्नर सच आर जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजली कॉल द फेडरल गवर्नमेंट संघीय गवर्नमेंट मतलब जिसमें मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का सीधी सी बात आप समझो बेटा मोर देन वन लेबल ऑफ़ गवर्नमेंट एक लेवल से ज़्यादा की गवर्नमेंट इन इंडिया बी रिफर टू इट द सेंट्रल आर द यूनियन गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एट द प्रोविशियल आर द रीजनल लेवल कॉल द डिफरेंट नेम्स डिफरेंट कंट्री इन इंडिया इसको डिफरेंट uh, लेवल पर हम मानते हैं तो जैसे देखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ फिर स्टेट गवर्नमेंट हुआ और फिर लोकल गवर्नमेंट होता है तो सेंट्रल वर्क फॉर द इंटायर कंट्री स्टेट वर्क फॉर द इंटायर स्टेट एंड लोकल वर्क फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब देखिए यहाँ पर हमने सी एस और यल को हमने इस तरह नहीं लिखा सी और यस हम यल को नहीं लिखा इस तरह हमने हॉरिजेंटल नहीं लिखा हमने कैसे लिखा इनको वर्टिकल लिखा है पावर में मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि सी मतलब सेंट्रल बड़ा है उससे छोटा स्टेट है और सबसे छोटा कौन है लो लोकल लेवल है मींस सेंट्रल के अंडर में कौन वर्क करेगा बेटा स्टेट वर्क करता है और स्टेट के अंडर में कौन वर्क करते हैं लोकल लेवल करते हैं तो आप ये समझिएगा कि पावर जो शेयर किया जाता है वो हॉरीजेंटल होता है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग होती है और वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है तो हॉरिजेंटल का आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो गए जो कि वर्टिकल में सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल हो गया तो ये यह यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भूल जाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल हॉर्जेंटल होगा कि वर्टिकल होगा बी कॉल स्टेट गवर्नमेंट तो बताया भी कि क्षेत्रीय कुछ गवर्नमेंट होती हैं जिनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया दिस सिस्टम इज नॉट फॉलो इन ऑल कंट्रीज देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल आर द स्टेट गवर्नमेंट देश विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर प्रोविंशियल गोरमेंट नहीं होती है डायरेक्ट वन गवर्नमेंट ही होती है जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करती है बट इन दो कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर र डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन केरली ले डाउन द पावर्स ऑफ़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया गया है आप पढ़ते होंगे कि जो गवर्नमेंट होती है इसके पावर शेयर किए जाते हैं सेंट्रल लिस्ट से स्टेट लिस्ट लिस्ट से और कंकरेंट लिस्ट में तो सेंट्रल लिस्ट में सेंटर के पावर को बताया जाता है स्टेट लिस्ट में स्टेट के पावर को और कंकरेंट लिस्ट में इन दोनों के पावर को बताया जाता है चलिए हम चलते हैं आगे दिस इज वाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बेल्जियम में ये गवर्नमेंट है लोकल लेवल पर बट श्रीलंका में नहीं थी तो बेल्जियम में कौन सी थी बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट अभी आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पर पावर जब अपना अकोमोडेट करते हैं पावर शेयर करते हैं तो वो एक लोकल लेवल की भी गवर्नमेंट बनाते हैं दिस इज़ कॉल द फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पावर को उसके डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर देना द सेम प्रिंसिपल कैन भी एक्सटेंडेड ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसपालिटी एंड पंचायत मीन्स सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि एक हाई लेवल गवर्नमेंट होगी फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट होगी जो उससे छोटी होती है लो हाई लेवल की मेरी सेंट्रल लेवल से और उससे भी छोटी पंचायत लेवल पर लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ़ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ़ गवर्नमेंट तो इस तरीके से जो डिवाइडेशन होता है पावर का वो हायर लेवल से स्टूडेंट्स लोअर लेवल की तरफ होता है हमने एग्जाम्पल दे के समझाई दी आपको दिस इज वर्टिकल डिवीज़न ऑफ़ पावर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा वर्टिकल डिवीज़न ऑफ़ पावर अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर एंड व्हाट इज़ द हॉर्जेंटल डिवीजन ऑफ़ पावर तो वर्टिकल अब चूंकि देखिए वर्टिकल को वर्टिकल की स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं वी से लिखते हैं बेटा आप हमेशा समझ लीजिएगा कि जो डिज जो डिवाइडेशन होगा वो इस तरीके से होगा सी है ना मीन्स इधर सी लिखेंगे फिर हम यस लिखेंगे और यल लिखेंगे जबकि जो हॉरिजेंटल हम लिखते हैं इस तरह तो हॉरिजेंटल में क्या होता है कि इस तरह की लाइन मतलब बराबर की लाइन चलती है तो इसमें हमारा लेजिस्टिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इसमें सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल आ गया 20 सेल स्टडी डीज ऐड सम लेंथ द नेक्स्ट चैप्टर चलिए थर्ड पॉइंट आपका पावर में आल्सो बी सेड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी तक तो उन्होंने बताया कि आप हॉरिजेंटल पावर देख लीजिए आप वर्टिकल पावर देख लीजिए बट यहाँ पर क्या बता रहे हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी हम पावर शेयर करते हैं सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप वो कौन से ग्रुप हो सकते हैं भाषाई आधार पर जो ग्रुप बनाए जाते हैं और जो धार्मिक आधार पर बनाए जाते हैं सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कम्युनिटी गवर्नमेंट वो कौन सी गवर्नमेंट होती है बेटा और कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जैसे कि बेल्जियम में अभी आपने हमने बताया ही पीछे आपको द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल अरेंजमेंट देअर बाई सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेंस आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं कि आप देखते होंगे कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकल लेवल पर और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बीकर सेक्शन का होता है मतलब कमज़ोर लोग या फिर महिलाओं को भी शामिल किया जाता है लोकल लेवल पर देखिए स्टूडेंट्स जो बीकर सेक्शन है वो हाई लेवल पे अपनी पॉलिसी या गवर्नमेंट नहीं बना सकता है क्यों क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं होती है या उसके पास वो समझ लीजिए कि आज के समय के लिए उतना पैसा या वो बल नहीं होता है कि वहाँ तक पहुँच सके तो इसलिए उसको एक मौका दिया जाता है कि उस लोकल लेवल पर भी अपने पॉलिसी को बनाए चुना जाए पंचायती राज व्यवस्था में पार्टिसिपेशन करे तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है मीन्स लोकल लेवल पंचायत लेवल तो पंचायत लेवल की गवर्नमेंट भारत में है और उसी लेवल की गवर्नमेंट को हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं कहाँ पर बेटा वेल्जियम में लास्ट ईयर्स बी स्टडीज़ द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी आपने पढ़ा होगा पिछले साल कि जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहाँ पर रिजर्व होता है आप देखते होंगे जब चुनाव का समय आता है तो बोलते हैं कि इस शहर की सीट भाई आरक्षित है यहाँ पर महिला के लिए आरक्षित कर दी गई या एस और यस के लिए आरक्षित कर दी गई तो ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि बीकर सेक्शन को भी आगे बढ़ने का मौका मिले इन असेंब्लीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ़ आवर कंट्री दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हुज अदरवाइज ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बीकर सेक्शन होते हैं वो खुद को गवर्नमेंट से अलग ना समझें और देश को चलाने में अपनी पूर्णतः मदद करें दिस मैथड इज़ यूज टू गिव माइनोरिटीज कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर इस मेथड का यूज करके जो माइनोरिटी कम्युनिटी होती है मीन्स जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको भी पावर शेयर करने का उनको भी पावर में आने का एक मौका दिया जाता है जिससे वो अपने आप को देश से या राजनीति से अलग न समझें चैप्टर थ्री बी से लुक अ बेरियस बेस्ड टू एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज नेक्स्ट पॉइंट फोर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द बे पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं फोर्थ पॉइंट आपके लिए क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो होती है बेटा वो पोलिटिकल पार्टीज़ के रूप में प्रेशर ग्रुप के रूप में एंड मूवमेंट के रूप में अभी तक आपने देखा गवर्नमेंट के आर्गेंस के रूप में लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में फिर आपने देखा लोकल लेबल्स में कम्युनिटीज गवर्नमेंट के रूप में अब आप यहाँ पर देखिए प्रेशर ग्रुप पोलिटिकल पार्टीज इसकी पहले आपने लिंग्विस्टिक देखा और रिलीजियस पॉलिसीज में आपने देखा कंट्रोल आर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर ये जो जितने भी ग्रुप्स आपने देखा ये प्रभाव अपना डालते हैं उन लोगों पर जो पावर में होते हैं आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो सरकार के खिलाफ धरने बैठ जाती हैं या प्रेशर ग्रुप्स मतलब हुए जैसे कि आपके स्टूडेंट्स ग्रुप होते हैं किसान के ग्रुप होते हैं या माइनोरिटीज़ ग्रुप होते हैं एस टी एस सी ग्रुप होते हैं अगर सरकार मान लीजिए कुछ काम कर रही है या कुछ अगेंस्ट में काम कर रहे हैं लोगों के तो ये लोग क्या करते हैं अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं और सरकार उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं इन डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट है फ्रीडम टू चूज वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स लोगों को ये आजादी होती है कि वो अपने लिए चूज वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर मीन्स पावर मीन्स आप ही समझिए स्टूडेंट्स कि पावर में उनको देखा जाता है मीन्स एक बैरियर प्रकार से प्रतिस्पर्धा के रूप में उनको शामिल किया जाता है मीन्स उन प्रेशर ग्रुप्स या पोलिटिकल ग्रुप्स को भी इन कंटेम्प्ररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन एमंग द डिफरेंट पार्टीज आप देखते होंगे डिफरेंट पार्टियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है लोगों को लुभाने का गवर्नमेंट को फॉर्म करने का तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए बेहतर वर्क करते हैं सच कम्पटीसन्स इंश्योर दैट पावर्स डज नॉट रिमेन इन वन हैंड और ये कम्पटीसन ये बताता है कि एक ही हाथ में सत्ता की चाबी नहीं होनी चाहिए हमने बताया कि अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता की चाबी आ जाएगी तो वो अपने आप को निरंकुश मीस डिक्टेटर समझने लगता है इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड एम डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज और अगर देखा जाए तो एक लंबे समय के लिए किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए पावर को डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड करना पड़ता है द रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड द सोशल ग्रुप्स डिफरेंट तरीके की जो आइडियोलॉजी होती हैं और डिफरेंटली तरीके के जो, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं मीन्स इनमें पावर को शेयर करना ही पड़ता है अब समझिए आप जैसे आपके यहाँ भारत में ही देख लीजिए आप दो मेन पार्टियाँ मानी जाती हैं एक बीजेपी और कांग्रेस जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी उसका विरोध करती है क्योंकि उसको पावर दिया जाता है विरोध करने का वो सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करती है या जो नीतियाँ होती हैं ये गवर्नमेंट के फेवर आई मीन लोगों के फेवर में है कि नहीं है तो इस तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के फेवर में भी काम करना स्टार्ट करती है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है अगर वो नहीं करती है तो जो अपोजिशन होता है या जो अपोजिट पार्टी होती है उसका विरोध उस सत्ता पार्टी को झेलना पड़ता है नेक्स्ट समटाइम द काइंडस ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट वेन टू आर द मोर पार्टीज़ फॉर्म आई अलायंस टू कंस्ट इलेक्शन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से भी पावर शेयर किया जाता है कि दो तीन पार्टियाँ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं जैसे आप देखते होंगे चुनाव के टाइम पर बहुत सारी पार्टियाँ एक होकर के चुनाव लड़ती हैं फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म आ कोलिएसन गवर्नमेंट और उनका जो गठबंधन होता है अगर वो जीतती हैं तो वो एक एक कोलिएसन गवर्नमेंट बनाती हैं मीन्स मिली जुली सरकार एंड दस पावर शेयर और फिर क्या करती हैं वो पावर को शेयर करती हैं मीन्स गवर्नमेंट बनती है और जितने लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करने में मदद करते हैं सबको पावर शेयर किया जाता है इन द डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एट द दोज ऑफ ट्रेडर्स बिजनेस मैन इंडस्ट्रियस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स कुछ आप देखते होंगे कि जो एक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जैसे कि आप इग्जाम्पल देख लीजिए दे आल्सो विल हैव अ सेयर इन द गवर्नमेंट पावर ये भी अपनी पावर या गवर्नमेंट में इनकी भी हिस्सेदारी होती है आइ दो पार्टिसिपेशन इन गोवर्मेंटल कमीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुस ऑन द डिसजन मेकिंग प्रोसेस या तो ये गवर्नमेंट के साथ में किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं या इनका जो प्रभाव होता है वो गवर्नमेंट की डिसीजन पर भी पड़ता है मतलब डिसीजन गवर्नमेंट इनको ध्यान में रखकर करती है जैसे कोई भी गवर्नमेंट है अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख के बनाएगी कि अगर हम हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जो कि लेबर के फेवर में तो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को ही बंद करा दें हमारे तो अब हमारे देश की जी कम हो जाएगी इंडस्ट्रीज या जो बाहर की इंडस्ट्रीज आ रही है हमारे यहाँ वो भी क्या हो जाएंगी यहाँ से लिफ्ट कर जाएंगी इन चैप्टर फोर बी सेल स्टडी द वर्किंग ऑफ पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये लेसन कम्प्लीट होता है एंड आई होप यू आल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेरीबेल स्टूडेंट्स समझिए वीडियो आपका लंबा जरूर हो जाता है लेकिन हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेशन करते हैं बेटा और सी बी एस ई बोर्ड में हर एक लाइन से या हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाते हैं तो जो आप कोई अदर वीडियो देखिए तो उसमें क्या करते हैं वो हर एक पैराग्राफ का एक विजुलाइजेशन कर देते हैं या शाट में इसको समझा देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप हमारे इस लेक्चर को समझते हैं तो आप लाइन बाई लाइन समझ सकते हैं इसमें आपको बुक की भी ज़रूरतें पड़ेगी क्योंकि बुक से हम समझा ही रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स चलिए कोई भी क्वेरी होगी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए हमारे चैनल को थैंक यू